हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड यशी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें इसके पहले कि आप भूल जाएं। आज की वीडियो में हम लोग कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिटेल में जाना था कलर थ्योरी के बारे में, आज हम लोग उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करेंगे। आज की एक्सरसाइज में हम लोग कलर हार्मनी के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको यूज़ करते हुए एक कॉम्पोजिशन बनाएंगे। तो मेरे माइंड में था कि हम लोग एक कॉम्पोजिशन हर एक हारमोनी के लिए एक डिफरेंट आर्ट वर्क बनाए, मगर उसको बनाते बनाते तो मुझे लगता है 10 हारमोनीज को 10 डेज लग जाएंगे। तो उनको शॉर्ट करते हुए यहाँ पे हम लोग एक डिज़ाइन पैटर्न बनाएंगे, जिसमें हम लोग कलर हारमोनी की थीम को लेते हुए कुछ एब्स्ट्रैक्ट या कुछ कंटेम्प्रेरी टाइप का बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये पहले जो कलर थीम्स हैं वो है प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्टरी कलर और ये है लास्ट में न्यूट्रल कलर्स। तो इसी तरीके से आप लास्ट वीडियो कलर हार्मनी का ज़रूर देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आप मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि पहला कलर हार्मनी का कौन सा सीक्वेंस है। ये यहाँ पे मैं प्राइमरी कलर्स को यूज़ करते हुए एक कॉम्पोजिशन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने इस बार कोई भी पहले से कोई थॉट या मैं बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू तरीके से मैंने सोचा कि मैं आर्ट वर्क बनाती हूँ। हमेशा मैं कुछ बनाने से पहले एक रिसर्च करती हूँ या एक इंस्पिरेशन लेती हूँ। मैंने सोचा कि देखते हैं इस बार बिना रफ स्केच के बिना क्या बनाया जा सकता है। तो मेरी जो इम्प्रॉम्प्टू इंस्पिरेशन थी वो थी फेस। तो फेस को मैंने यहाँ पे आईज़ लिया है और मैंने तीनों कलर्स को यूज़ करते हुए कुछ क्रिएट करने की कोशिश की है। और मुझे बहुत एक एक्सपेरिमेंट के जैसा फीलिंग हो रहा था, क्योंकि मैंने कुछ पहले से नहीं सोचा था कि मैं इसमें क्या बनाऊंगी। तो ये सेकेंड कलर हार्मनी को मैं दिखा रही हूँ, जो कि ये है सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स को लेते हुए मैंने ये बनाया है। तो बनाते बनाते ही एक थीम निकल के आई कि यहाँ पे मैं फेस के एलिमेंट्स को लेते हुए जो कलर्स है उनको मिक्स करके ये एक सीक्वेंस या एक कलेक्शन बना रही हूँ। और मुझे तो बनाने में बहुत ही नर्वसनेस हो रही थी कि हे भगवान, ये कैसे बनेगा, ये ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा। मगर मैंने ट्राई किया तो एंड रिज़ल्ट थोड़ा बहुत प्लीजिंग मुझे लग रहा है अभी। आपको कैसा लग रहा है? क्या आपने कभी कुछ ऐसा ट्राई किया है? तो जो फेस में से एलिमेंट मैंने टर्टरी कलर्स की थीम को लेते हुए ये बनाया। और तो फेस में क्या हमारा हेयर भी तो होता है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हेयर का टेक्सचर बनाया है टर्टरी कलर्स को यूज़ करते हुए। अभी नंबर 4 पे बढ़ेंगे हम लोग आगे। तो 4 पे हम लोग बना रहे हैं एनालॉगस कलर हार्मनी। एनालॉगस कलर हार्मनी में हमारे कलर व्हील के कंसेक्यूटिव 3 कलर्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि नेचर में भी पाए जाते हैं, है ना। तो उसको ही यूज़ करते हुए, जैसे कि मैंने बनाते बनाते ही थीम डिस्कवर हुई हमारी फेस, तो फेस की थीम को यूज़ करते हुए ये मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट सी कॉम्पोजिशन बनाई है, जिसका मैंने पहले ये इम्प्रॉम्प्टू है ये मैं खुद भी सरप्राइज थी कि ऐसा बना। और मेरे बच्चों ने देखा तो उनको तो दे गॉट रियली इंटरेस्टेड कि ये अच्छा बना है, उनको पसंद आया। तो यहाँ पे मैं फिर एक कोशिश कर रही हूँ कि ये स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर थीम को लेके मैंने ट्राई किया। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरा लास्ट कलर हार्मनी का वीडियो देख सकते हैं। ये होता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर का जो थीम होता है। टेट्रियाडिक कलर थीम, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टेट्रियाडिक कलर थीम इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थीम
कलर थीम इन कलर हार्मनी। तो इसमें हमारे जो फोर ब्राइटेस्ट कलर होते हैं, एक तरीके से स्क्वायर बन रहा होता है कलर व्हील में, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, तो उनको यूज़ करके हम लोग कॉम्पोजिशन बनाते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने सोचा कि फेस में से एलिमेंट लूँ मैं, इसको मैंने नोज़ बनाने की कोशिश की, जो बहुत ही बुरी तरीके से बैकफायर हुआ, मगर इसका कुछ करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ उसको ठीक करेंगे, है ना। तो अभी हम लोग नोज़ को, मुझे लगा कि एक नोज़ के आइडिया को रिस्टोर करना होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइड नोज़ बनाया है, और मैं डायरेक्ट पेन का यूज़ करके ही बना रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसमें मैंने लिया है न्यूट्रल कलर थीम। तो न्यूट्रल कलर थीम्स क्या होते हैं, उसमें होता है हमारा ब्लैक, ब्राउन, वाइट और ग्रे के सारे शेड्स होते हैं। तो इसको हम लोग कैसे एक यूज़फुल तरीके से यूज़ कर सकते हैं जो हमारी जो डिज़ाइंस है, तो इसको हम लोग देखेंगे आगे, इसकी हम लोग इससे क्या 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 इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, है ना। मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जाए इन कॉम्पोजिशंस को यूज़ करके, जो कि यूज़फुल भी हो। तो क्या आप गेस कर पा रहे हैं कि मैं ये क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ बुक मार्क्स। तो आप भी कुछ ऐसा ही ट्राई करें अपने घर में। आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि आप अपने कुछ फेवरेट कलर्स को यूज़ करते हुए ऐसे ही पैटर्न्स बनाने हैं, लाइंस बनाने हैं, पैटर्न्स बनाने हैं, जो आपके दिल में आए वो बनाना है, है ना। और फिर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हम लोग कॉम्पोजिशंस का बनाएंगे कुछ यूजफुल सा बुक मार्क। और यहाँ पे मेरी एक छोटी सी कोशिश इस आर्ट वर्क को सुधारने की। तो हमारे जो थीम था, फेस का थीम, इसको मैं यहाँ पे दोबारा से लिप्स बना रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ सल्यूशन हो सके इस आर्ट वर्क का, और ये थोड़ी इंक्लूसिव लगे, जो हमारा पूरा कलेक्शन था उससे थोड़ी सी इंक्लूसिव लगे इसका डिज़ाइन। तो अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे ही आर्ट्स रिलेटेड इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी। चलिए, ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा सा बुक मार्क और मेरा छोटा सा प्यारा सा चैनल। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो कीप सपोर्टिंग, कीप शोइंग योर लव, एंड इसी तरह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।